ट्रांजिएंट सिनोवाइटिस या इरिटेबल हिप क्या होता है और कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें यानी डिफरेंशिएट करें इन्फेक्शन के साथ में यानी कि सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गुड़गांव से। आज बात करते हैं बच्चों में हिप पेन का एक बहुत ही कॉमन कारण, इतना कॉमन के कहा गया है कि कम से कम 3 से 4% बच्चों को लाइफ टाइम में ये दिक्कत कभी ना कभी आती ही आती है। इसको कहते हैं ट्रांजिएंट सिनोवाइटिस। तो ट्रांजिएंट का मतलब कि जो एक थोड़े से टाइम के लिए है और कुछ दिन की बात है और अपने आप ठीक भी हो जाता है, और साइनोवाइटिस यानी कि जॉइंट की जो झिल्ली होती है जिसको साइनोवियम कहते हैं उसका सूज जाना, तो साइनोवियम का स्वेलिंग मतलब साइनोवाइटिस। तो ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस मतलब ऐसी स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट जो कि कुछ दिन के लिए होती है और अपने आप से ठीक भी हो जाती है, बट जितने भी दिन ये रहती है ये एक क्लिनिकल डिलेमा बना रहता है कि कहीं ये इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन मिस हो जाए आगे चल के बहुत डेवास्टेटिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं, पूरा हिप खराब हो सकता है और बच्चा हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। तो डेफिनेटली इसको एक सही टाइम पे पकड़ना, इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो ये समझे कि ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस किस एज ग्रुप में होता है। आमतौर से देखा गया लिटरेचर में कि सबसे कॉमन एज ग्रुप जो है वो है 4 से 8 साल की, और इनमें भी मेल्स में थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर मेल फीमेल रेशियो देखें तो वो 2:1 कहा गया है। तो इस एज में यूजुअली ज्यादा देखा गया है। इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे किस तरह बच्चे को फील होता है, कैसे आपको पता लगेगा कि कोई दिक्कत इस तरह की आ रही है? तो आमतौर से होता यह है कि बच्चे को या तो एक बहुत माइल्ड फीवर हुआ या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, जो कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी हो सकता है हिप पेन के शुरू होने से, और अचानक से उसके रिएक्शन में आपको मिल रहा है कि 10 दिन बाद आपको हिप के पेन शुरू हो गया बच्चे को अचानक ही। वो हो सकता है खेल कर आए और उसके बाद बताए कि थोड़ा फीवरिश लग रहा है, थोड़ा बीमार लग रहा है, या कोई खेलने कूदने के टाइम पे कहीं गिर गया हो, उसके बाद आके बताए कि चोट लगी है, दर्द हो रहा है, जिसके बाद अगले दिन पता लगे कि हिप पे इतना स्वेलिंग या पेन है कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा और चल भी नहीं पा रहा। तो आमतौर से प्रेजेंटेशन इस तरह से रहती है। अगर फीवर भी होता है तो बहुत लो ग्रेड का फीवर, यानी 99 इस टाइप का होता है, 99.5 100 तक रहेगा, कभी 100 200 300 400 टाइप्स नहीं जाता आमतौर से, क्योंकि अगर इतना हाई फीवर होता है तो यूजुअली वो इन्फेक्शन ही माना जाता है। अब इसके कारण क्या क्या देखे गए हैं, जो रिसर्च में इसके कारण देखे गए हैं उसको माना गया है कि सबसे कॉमन कारण तो रहता है कि वायरल इन्फेक्शन, प्रीसीडिंग वायरल इन्फेक्शन, मतलब आपके हिप पेन शुरू होने से कुछ दिन पहले या 1 हफ्ते पहले तक भी कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खांसी जुकाम नॉर्मल, जो कि चाहे 2-4 दिन के बाद ठीक भी हो गया लेकिन उसके बाद में आपको ये हिप, तो इसके माना जाता है कि उस वायरल इन्फेक्शन में उस वायरस के जो प्रोटीन्स हैं उसके रिएक्शन में ऐसा हो जाता है बॉडी में, किसी भी जॉइंट में जाकर उसके रिएक्शन में ये स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट में। आमतौर से मोस्ट कॉमनली हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है तो इसलिए हिप में ही पेन देखा जाता है ज्यादा। दूसरा, कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हैं जिनके बाद ये बीमारी शुरू हो सकती है एज अ रिएक्शन अगेन। फिर बहुत कॉमन जो है एक माइल्ड ट्रिवियल ट्रॉमा, ट्रिवियल यानी कि बहुत ऐसी छोटी मोटी इंजरी जिसके बाद बच्चे आमतौर से गिरने के बाद उठ के खेलने भी लगते हैं, बट उनको इंजरी ऐसी याद भी नहीं रहती लेकिन अगले दिन उनको उस इंजरी के बाद महसूस होता है कि दर्द है और फिर वो सोचते हैं कि शायद उस इंजरी से ज्यादा दिक्कत हुई है। फिर कुछ ऐसे फूड आइटम, कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जिनके एलर्जिक रिएक्शन से भी ऐसा देखा गया। तो ये मोटे मोटे 3-4 कारण है। अब ऐसा बच्चे को अगर हम क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं तो हमें क्या क्या फाइंडिंग्स, सबसे पहले ये कि बच्चा हमें बताता है कि उसको पेन बहुत ज्यादा है, हिप की मूवमेंट्स कर नहीं पा रहा, खड़ा हो नहीं पा रहा, अगर आप हिप पकड़ के चलाना रोटेट करना शुरू करते हैं या मूव करना शुरू करते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, स्वेलिंग थोड़ी सी रहती है हिप के आसपास में, आप हिप के ऊपर दबाएंगे तो वहां पे पेन महसूस होगा। अब ये सारी चीजें जो है ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस में थोड़े कम लेवल पे रहती है, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट बच्चा अलाउ करने देता है, लेकिन अगर ऐसा इन्फेक्शन होता है हिप का, सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करने देता, हिप के आसपास स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, थोड़ी रेडनेस हो सकती है और फीवर बहुत हाई ग्रेड का हो सकता है। तो इस तरह से यूजुअली उसको उससे डिस्टिंग्विश किया जाता है। अब एग्जामिनेशन के बाद अभी तक हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए हैं कि क्या ये ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस ही है कि क्या ये इन्फेक्शन है, तो नेक्स्ट हमें करना होता है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के लिए कुछ सबसे पहले टेस्ट कराए जाते हैं जिनमें एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में हमें देखना होता है कि क्या जॉइंट की जो स्पेस है हिप के बॉल की और कप के बीच में जो स्पेस है क्या वो नॉर्मल साइड के मुकाबले बड़ी हुई है। अगर वो नॉर्मल साइड के मुकाबले ज्यादा है, चाहे वो 2 मिलीमीटर भी ज्यादा हो, तो मतलब जॉइंट के अंदर फ्लूइड इकट्ठा है, तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि जॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अल्ट्रासाउंड एक और टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि वो स्वेलिंग और वो फ्लूइड जो है वो सिर्फ जॉइंट के अंदर है क्या जॉइंट के आसपास भी है। लेकिन फाइनली जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई स्कैन। तो एमआरआई स्कैन हमें फॉर श्योर बता देता है कि क्या जॉइंट के अंदर बहुत फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, क्या जॉइंट की जो झिल्ली है वो स्वॉलन अप है, वो सूजी हुई है, क्या कहीं कोई ऐसा इन्फेक्शन का फोकस कहीं बोन में तो नहीं है, कहीं हड्डी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज किस तरह से। तो ये पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन एमआरआई स्कैन के द्वारा ही हो पाता है। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसके लिए एमआरआई स्कैन देखिए, क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज में ये पिक कर सकती है कि क्या ये इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है कि क्या ये
ट्रांजेंसाइनोवाइटिस की तरफ है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट जिनमें जो मेन तीन ब्लड टेस्ट हैं वो है सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी। अब सीबीसी है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो आपका टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जो कि ल्यूकोसाइट्स यानी कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन या किसी भी ट्रॉमा इंजरी से लड़ने वाले जो सेल्स हैं क्या वो बढ़े हुए हैं। आमतौर से ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस में या तो ये नॉर्मल होते हैं या थोड़े माइल्डली एलिवेटेड रहते हैं, बट अगर ये इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़े होते हैं। तो ये एक मोटा मोटा टेस्ट हमें बताता है कि क्या ये इन्फेक्शन तो नहीं है। ईएसआर और सीआरपी ऐसे प्रोटीन्स हैं बॉडी में जो कि लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, और इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी इंजरी होगी या भी इवन सर्जरी भी होगी, तो उसके बाद में ये बढ़ जाते हैं। ईएसआर थोड़ा लेट बढ़ता है, सीआरपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो अगर हम अर्ली स्टेज में देखते हैं तो सीआरपी एक बेटर टेस्ट माना जाता है। अब अगर सीआरपी और ईएसआर अप टू 20 ही है तो ये बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं है, तो ये इन्फेक्शन को मोटा मोटा रूल आउट कर देते हैं। बट अगर ये बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहे 70-80 की रेंज में, तो मतलब वो डेफिनेटली इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये सारे टेस्ट और एमआरआई स्कैन और सबके बाद भी अगर कोई क्लिनिकल डाउट रहता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं, कि हमें लगे कि बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल या नियर नॉर्मल ही आ रहे हैं, थोड़े से एलिवेटेड है, फीवर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन हमें डॉक्टर को एक डाउट रहे कि अगर ये इन्फेक्शन हो सकता है तो ये मिस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में कभी कभी हमें जॉइंट एस्पिरेशन करना होता है, यानी कि जॉइंट के अंदर अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस से एक नीडल के थ्रू हम जॉइंट का फ्लूइड निकालते हैं, उसको हम साइटोलॉजी और कल्चर दोनों के लिए भेजते हैं। साइटोलॉजी मतलब उसका हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसके सेल्स देखते हैं, उस फ्लूइड में कैसे सेल्स हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स 1 ml में मोर देन 50,000 है तो वो डेफिनेटली इन्फेक्शन है। तो इसको कॉकर क्राइटेरिया कहा गया है कि अगर वो सेल्स मोर देन 50,000 है तो वो इन्फेक्शन माना जाना चाहिए और उसी के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। इस तरह से कल्चर जब उसका किया जाता है तो कल्चर लैब में उसको ग्रो किया जाता है, जिसमें अगर वो कोई भी कीटाणु उसमें होता है तो वो कीटाणु उसमें उभर के आ जाता है और जिसके हिसाब से उसकी दवाई शुरू की जा सकती है। तो फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी किसी केस में एक जॉइंट एस्पिरेशन भी करना पड़ सकता है। अब सारे टेस्ट हो जाने के बाद मान लीजिए हमने इसको कंक्लूसिवली डिटरमिन कर लिया है कि ये इन्फेक्शन नहीं है, ये ट्रांजिएंट ही है, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। तो बच्चे को हम यूजुअली 2 या 3 दिन के लिए तो कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। वो क्यों? क्योंकि बच्चा अगर बेड रेस्ट पे रहेगा तो उस पे वेट बेयर नहीं करेगा, हिप की मूवमेंट्स कम होंगी, और हिप की मूवमेंट्स कम होने पर हिप को आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, जिससे हीलिंग जल्दी होगी। जितनी मूवमेंट्स ज्यादा होंगी, जितना वेट बेयर उस पे किया जाएगा, तो उतना ही इरिटेशन होगी हिप में और उतना ही फ्लूइड और बनता जाएगा, तो बच्चे को रिकवर होने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो रेस्ट से, आइसिंग से हम उसकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिसिन जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि नॉर्मल ओवर द काउंटर भी हमें मिल जाती हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, तो ऐसी कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें बच्चे के वेट के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, जो सेफ मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब करें, तो ऐसे कुछ मेडिसिन 5 से 7 दिन देने पर भी डेफिनेटली पेन और स्वेलिंग कम हो जाता है। इसकी नेचुरल कोर्स जो होता है कि कितने दिन ये चलेगा, वो यूजुअली अप टू 1 to 2 weeks होता है, बट हमें पहले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने से हमें पता लग जाता है कि हम सही ट्रैक पर हैं और बच्चा रिकवर कर रहा है। तो ये सारी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी यूज करने से आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पेन रिलीफ और सिम्टम्स में काफी अच्छा रिलीफ मिल जाना चाहिए, और फर्दर रेस्ट और मेडिसिन से ये कम्प्लीटली अपने आप से रिजॉल्व हो जाता है विदाउट एनी फर्दर इश्यूज इन द लाइफ। तो ये मोटा मोटा इस बीमारी के बारे में सारे सिम्टम्स हैं। बहुत कॉमन दिक्कत है बच्चों के एज ग्रुप में, इसलिए ये जानना जरूरी है। ऐसे कोई भी दिक्कत हो तो डेफिनेटली बिना देर किए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें, ताकि वो एग्जामिन करके और इस तरह से टेस्ट करके इसको रूल आउट कर सके कि क्या वो इन्फेक्शन तो नहीं है। हिप से जुड़ी ऐसी और बीमारियों के बारे में और दिक्कतों के बारे में हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट करें। थैंक यू सो मच।